ਨਗਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਜੀਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ। इस दौरान उन्होंने दुकानदार के नाल बहस हुई जिस तो बाद उन्होंने दुकानदार से हथियारों के नाल हमला कर दिता ते बाहर खड़ी जीप नू अग लगा दी। इस घटना तो बाद इलाके के लोगों के विच भारी रोष है जिन्होंने कहा कि होले मोहल्ले नू लैके पुलिस वालों ट्रैफिक नू लैके कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। हादसे बारे जो पुलिस नू इस बारे जानकारी दी गई तो पुलिस भी काफी लेट पहुंची है। मुंडे ना मेले नू जांदे सी, इन्हों को चार जीपा अणपछाते मुंडे से इन्हों ने आ गए ना मुंडा दुकानदार राहुल गुलशन कुमार का मुंडा उदो पहले इन्हें समान की मांग की थी भाई भाई मैं समान दे फिर इन्हों का किसी गलते तकरारबाजी हो गई। इन्हीं मुंडिया ने गड्डिया के पिछों डाट कटे खंडे कटे और उन्होंने तिना उत्ते इन्हें हमला कर दिता तो सारे जोड़े दुकानदार इन्हों पे गए फिर अपन गड्डिया छड़ के भज गए। एक सफारी गड्डी वह नंबर भी असी पुलिस वाले देता एक होर गड्डी सी जीप उन्हों दो भज गए। मैं ये गल पंजाब के लोगों को कहना चाहना कि पंजाब के जोड़े अच्छे हालात आ बड़े नाजुक वाले आ खास करके भगवंत मान को कि देखो पंजाब दे विच कितना इस वेले अग लगी हो जिहड़ा ला जिहड़ा कोई भी कंट्रोल है नहीं इस वेले प्रशासन का बिल्कुल कंट्रोल है नहीं बाजार दे विच इदां दी लोगों की एक तरह बहुत ज़्यादा लोग सहमे हो इन्हां तो लोग डरते आ मेला जिहड़ा मेले से कोई कंट्रोल है नहीं कोई इत्थे बाजार दे विच एक एक घंटा इत्थे जाम लगता कोई भी पुलिस का अधिकारी इतने मौजूद है नहीं। ये गल असी प्रशासन को कहनी चाहते हाँ कि कम से कम तुम अपना थोड़ा कंट्रोल तो रखो आवाजाही सीधी करो। और एक गल होर कहनी चाहना इन्हों बंद इन्हों बंद उत्ते जेकर पुलिस ने 307 की कार्रवाई ना की असी पूरा बाजार बंद करा तो इतने चक्का जाम करा इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए जेडे बाहरों आके इतने गुंडागर्दी करते हैं। यही मेरी बेनती आ प्रशासन को खास करके DSP साहब को उन्होंने मेरी बेनती है कि इन्होंने लोगों के जोड़े लोग बहरों आ गए जिन्होंने कातला ना हमा किया मुंडे नहीं टायर थले देना सर वो आ दुकानदार आले दुआले देखते हैं तो इन्होंने शरेआम गुंडागर्दी की इन्होंने खिलाफ इन्हें डांट मारे अंदरों डांट कट के मुंडा दाखला दो मुंडे तीन दाखला साढ़े मुंडे इन्होंने उत्ते 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए यही साड़ी मांग वा। की घटना हुई है? घटना हुई है बहुत ही माड़ी हुई है इदा होनी नहीं चाहिए सी। मेला बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है बहुत ही सोहे तरीके चल रहा है प्रशासन की कमी कारण यह घटना वापरी है। मैं सारे मेले वाले भी बेनती करना बड़ी शांति बनाई रखन तो इदा दरकत ना किया है नौजवानों ने गड्डी कोई सौदे इन्होंने ले जी आज जो जीपा वाले मुंडे आ इन्होंने दुकानदार को सौदे की मांग की उत्तों इन्हें तकदार बनी पंजाब कोई शॉपिंग करने वेले इन्हों की कोई झगड़ा हो गया तो झगड़े वाले गड्डी को भी अग लाई है तो अभी मौके पर पहुँच गए हैं बयान लैके पीड़ता के बयान लैके बनती कार्रवाई कितने हुई है पहला सर पता लगे कोई कारण लड़ाई का कोई हाले कुछ नहीं पता किन्ने किन्ने व्यक्ति सी इदा कोई पता लग्या नहीं हाले कोई पता नहीं। तां हुण देखणा होवेगा कि इन्हां नौजवानां ते आखिरकार इलाके दी पुलिस की कारवाई करेगी। स्कैनिस पंजाब दे लई गढ़शंकर तो दीपक अग्निहोत्री दी रिपोर्ट। नवीं ते ताजियां खबरां देखण दे लई जुड़े रहो स्कैनिस पंजाब दे नाल। तुसी भी जीवन दे विचारियां दिक्कतां तो परेशान हो तो हुण 3 घंटिया दे विच मिलेगा शर्तिया समाधान। मियां सुल्तान जी घर बैठे होवेगा हर समस्या दा पक्का हल। समस्या जिवें नौकरी ते कारोबार च तरक्की ना होना, घरेलू कलेश, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्रेम व्याह, विदेश यात्रा च रुकावट, पैसे दी दिक्कत, मनचाया प्यार, वशीकरण जां फिर मुठकरनी, किता किराया, जमीन जायदाद का केस, कोर्ट कचहरी केस, हर समस्या का शर्तिया समाधान। एक बार जरूर संपर्क करो मियां सुल्तान जी। मोबाइल नंबर 87913-81830। एक बार फिर तो नोट कर लवो 87913-81830।